ट्रैप कर लेगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो नोज़ के ज़रिए से कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया क्या होती है कि एक पाइप नुमा होता है, ठीक है। आगे जो ये जो ट्रैकिया है ये आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उन दो ब्रांच को क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। इसको लेफ्ट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, राइट ब्रोंकाई। ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। आगे जो ब्रोंकाई है ये आगे ढेर सारी और शाखों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ट्रैकिया किस में डिवाइड होगा, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। आगे ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, जब ब्रोंकाई क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। एक लंग्स में तकरीबन 30,000 क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आगे ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या होते हैं, एक हवा की जो थैलियाँ टाइप होती हैं उनको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। उन एल्वियोलाई के इर्द गिर्द क्या होती हैं, ब्लड कैपलरीज होती हैं। अब ब्लड कैपलरीज का क्या काम होता है, ये आर्टरीज और वेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आर्टरी का क्या काम है, ये ब्लड को जो है दिल से दूर लेके जाती है, और जो वेंस है ये जो ब्लड को है वो हार्ट तक लेके आती है। अब जो ये कैपलरीज के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, जस्प कर लेंगे। फिर उसके बाद ये दूसरे बॉडी के सेल्स तक ले जाएंगे। अब जो बॉडी कोई भी जब एक्टिविटी करेगी तो वो ऑक्सीजन को और एनर्जी को यूज़ करेगी। अब ये जो ब्लड है और ऑक्सीजन जब आपस में मिक्स हो गए हैं तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ठीक है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ हो जाएगा तो वो सेल्स के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी और क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड हो जाएगी तो उस खून को क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जो उसके बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा और फिर ब्रीथ आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा।